Hey guys, welcome to another video. Welcome to Football with Comet. Wish you guys a very very happy new year. जो भी आप लोग इस साल टारगेट कर रहे हैं ग्रोथ से रिलेटेड और जो भी आप लोगों के एम्स है इस साल में, आप लोगों को जो जो कुछ जो भी कुछ अचीव करना है, भगवान आप सबको वो यू नो गट्स दे, वो विल दे जिससे आप वो चीज़ें अचीव कर पाए और आपका यू नो फ्यूचर अच्छा हो। तो यही सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ, यही सब मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और खुद के लिए 2023 में। तो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं करी अभी तक, मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करके बता रहे कि आपको कैसा लगा कल का मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स का मैच, और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। 1300 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा करीब है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब काउंट हमारा करवाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के टॉपिक में। यार बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स से रिलेटेड। तो कल मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स, कल शाम को 6 बजे ये मैच था। और सबसे पहले तो यार बिना टाइम वेस्ट करे आप लाइनअप देख लो, ये लाइनअप था। अब इस लाइनअप में ना सबसे बड़ी एक दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि यार सबसे पहले तो इसमें मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट कराया जा रहा था, बट फिर अगर थोड़ी देर बाद अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़ आई थी कि एरिक टेन हैग हैज बेंच मार्कस रैशफोर्ड एंड हैज स्टार्टेड अलेहांद्रो गर्नाचो इंस्टेड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड ड्यू टू सम डिसिप्लिनरी इशूज। ऐसा क्यों हुआ उसका भी मार्कस रैशफोर्ड ने यू नो पोस्ट मैच इंटरव्यू में अपना आंसर दिया था कि क्योंकि ही ओवरस्लेप्ट लास्ट नाइट एंड देर आर सम नॉर्म्स जिसका देर आर सम रूल्स जिसकी टीम में सब इक्वली सबको यू नो सबको माननी पड़ती है, जिसकी आगे पीछे क्लब काम कर रहा है आजकल, तो वही कुछ नॉर्म्स है जिसको फॉलो करने में गलती हुई रैशफोर्ड से और उसकी वजह से उन्हें बेंच कर दिया गया। अब ये चीज़ जो है मेरे को यार देखो टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगी। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड पर लगाया जाता था वो क्या था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी ढीला क्लब है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो यू नो अथॉरिटी है उनको भी इतनी, मतलब अथॉरिटी के पास भी इनफ अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को भाई कुछ बोल सके, उनको बेंच कर सके, ब्ला 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 ब्ला। बट एरिक टेन हैग ने आके यहाँ जो है यहाँ पे चीज़ें बदल दी है, टोटली बदल दी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ भाई तो ये बहुत एक अच्छा साइन है अगर आप पर्टिकुलरली क्लब के पर्सपेक्टिव से देखो तो, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अकेडमी प्लेयर्स को कितना प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, मार्कस रैशफोर्ड, स्कॉट मैकटोमिने और जितने भी हमारे एकेडमी मेंबर्स थे उनको कितना उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा था। और अब एरिक टेन हैग के आने के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें डिफरेंट है, अब चीज़ें डिफरेंट है और ये चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ भाई कि एरिक टेन हैग आए और वो अब इस रिचुअल को जो चला आ रहा था ना काफ़ी टाइम से मैनचेस्टर यूनाइटेड में, अब फाइनली इस चीज़ को बदल रहे हैं और अब इस चीज़ का मतलब वो होता है ना कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो अब सिर्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ बात हो रही है। अब जो परफॉर्म करेगा चाहे आप कितना ही इनफॉर्म हो, कितना ही कुछ हो, आप अकेडमी ग्रेजुएट हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू डिसओबे एनी ऑफ द रूल्स, इफ़ यू डिसओबे एनी ऑफ द रेगुलेशंस, यू विल बी बेंच्ड नो मैटर व्हाट, नो मैटर कितना ही हॉट फॉर्म में चल रहे हो आप। तो वो वाली बात है और ये अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, मैच के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो फर्स्ट हाफ की मैं बात करूँ तो बहुत बहुत बेकार फर्स्ट हाफ, मतलब लिटरली जीरो इंटेंसिटी, जीरो चांसेस क्रिएटेड। चांसेस क्रिएट हुए थे बट हमारे पास ना एक लेजेंडरी स्ट्राइकर है, ठीक है, उसका नाम है एंथनी मार्शियल, ठीक है। उसको देखो उसकी क्या है ना, जब है ना वो अच्छा खेलता है ना तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी चैटने के लिए कि नो रोनाल्डो नो प्रॉब्लम, वी हैव एंथनी मार्शियल, ब्ला ब्ला ब्ला। कल उस बंदे ने लिटरली दिखा दिया कि एंथनी मार्शियल इज नॉट एट ऑल दैट प्लेयर कि भाई उस पर पूरे थ्रू आउट द सीजन रिलाय कर सके। थ्रू आउट द सीजन छोड़ो, वो ऐसा प्लेयर भी नहीं है जिसपे आप 3 मैच के बाद 4th मैच पर रिलाय कर सको, ठीक है। वो आपको 2 मैच अच्छे देगा तो 3rd मैच हगेगा ही हगेगा। और जिस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी स्क्वाड डेप्थ वगैरह है उसमें वी डोंट नीड अ प्लेयर लाइक एंथनी मार्शियल। एंथनी मार्शियल जैसा प्लेयर बेंच होगा स्क्वाड में, हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो एंथनी मार्शियल को रिप्लेस करके लाए। और दैट इज वाई देर आर हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू नो टेन हैग एंड द बोर्ड कि वो एक स्ट्राइकर तो साइन कर ले, क्योंकि द रीजन इज वी हैव लॉस्ट रोनाल्डो, वी डोंट हैव एनी यू नो सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर अपार्ट फ्रॉम मार्शियल। तो वी नीड अ प्लेयर एट दैट पोजिशन जो भाई हमें कन्फर्म क्या कहते हैं उसको कन्फर्म परफॉर्मेंसेज ला के दे,
ढीला नहीं पड़े। एंथनी मार्शल वॉज सो मच वेस्टफुल यस्टरडे, जिसने भी मैच देखा उसको पता होगा मेरे को बार बार मतलब गिराने की जरूरत नहीं है। एक चांस था जो भाई वो हेडर से मिस हो गया, एंटनी तो चलो ठीक है ऑफसाइड था, एंटनी पे भी आऊंगा, बट एंथनी मार्शल तो भाई उसने हेडर ही मिस कर दिया और वो एंटनी मार्शल एंटनी बेचारा ऑफसाइड था, उससे लगी क्या फायदा, गोलकीपर ने वैसे भी रोक लेता बट स्टिल ही वॉज कॉट ऑफसाइड। और काफी काफी लेथार्जिक मोमेंट्स भी पाए गए थे यार, एंथनी मार्शल वॉज नॉट एट ऑल सीन रनिंग, बस मतलब ढीला पड़ा हुआ है, इधर उधर देख रहा है, आराम आराम से चल रहा है। क्या होता है ना, जब एक टीम लो ब्लॉक मेंटेन करके रखती है सामने वाली, तो यू कैन नॉट यू नो स्टे बैक, यू कैन नॉट, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक ही जगह पे खड़े हो गए और आप वेट करो कि बॉल आपके पास आएगी। कई बार अगर रोनाल्डो जैसा प्लेयर ड्रॉप करके बॉल रिसीव करने आ सकता है, तो एंथनी मार्शल को भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक गेम में इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तब तक यार गेम प्रोग्रेशन, बॉल प्रोग्रेशन वॉज जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे मिडफील्डर्स का भी, अब जैसे एरिक्सन का थोड़ा ऑफ गेम था, ब्रूनो वॉज हैविंग अ गुड गेम, बट कैसेमिरो वो हैड अ फैंटास्टिक गेम, बट क्या होता है लो ब्लॉक है तो हमारे मिडफील्डर्स को भी थोड़ा ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है, वो मिडफील्डर्स को भी क्रिएट करने के लिए, बॉल चलाने के लिए थोड़ा ड्रॉप करना पड़ता है। अब उसमें मिडफील्ड और जो फॉरवर्ड लाइन होती है उसमें काफ़ी गैप हो जाता है, अब पास निकालने के लिए इतना गैप होगा तो कोई ना कोई ओपोनेंट भी होगा सामने और वो बॉल इंटरसेप्ट कर लेता है। तो यही बात होती है कि एक प्लेयर या तो बीच में आ जाए या फिर हमारा स्ट्राइकर ड्रॉप कर ले, यही दो ऑप्शंस होते हैं। तो हमारा स्ट्राइकर पटकल ड्रॉप करने को ही रेडी नहीं था, तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो, अब ये तो रही एंथनी मार्शल के बारे में बात, अब थोड़ी बात कर लेते हैं यार एंटनी के बारे में। मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि एंटनी की, मेरे को मतलब मेन एक ही प्रॉब्लम लगी देखो कल के मैच में, कि उसके जो ये ट्रिक है ना, हील ड्रिबल 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 एंड देन हील कट इन एंड देन हील शूट, वो प्रीमियर लीग में ज़्यादा टाइम काम नहीं करने वाली, क्योंकि प्रीमियर लीग इज़ अ फिजिकल लीग, वहाँ के डिफेंडर्स आर मच मोर इंटेलिजेंट देन द डच लीग, टू बी रियली ऑनेस्ट, ये इतना मेरे को पता है भाई और इतना मेरे को समझ आ जाता है। और प्रीमियर लीग के डिफेंडर्स कैन प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट मूव, उन्हें पता है, वो एंटनी की, वो लिटरली एंटनी का पढ़ के आते होंगे भाई कि हाँ अभी ऐसे करेगा, अभी करके कट इन करेगा, कट इन करके शूट लेगा। और एंथनी को एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, देखो ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में भी, क्योंकि अब ठीक है वो अगर ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा, अगर हमारे विंगर्स ऐसे एफर्ट्स नहीं करेंगे कट इन करके करने का तो कौन करेगा, वो बात ठीक है मैं समझ सकता हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जो एंटनी कई बार ओवर कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो ड्रिबल 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 करेगा, कट इन करके शूट करेगा। और बात ये आती है यार कि क्रॉसिंग, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है जब आपके कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती है, ठीक है, आपको कोई भी आपका क्या कहते हो उसे पैतरा काम नहीं कर रहा होता है गेम में, तो आपको कुछ नई चीज़ के साथ आना पड़ता है और फिर क्रॉस एंड इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है आगे चल के गेम में। वो भी नहीं हो पा रहा था कल, क्योंकि हमारे पास कोई भी बढ़िया प्लेयर नहीं था जो भाई अच्छे क्रॉसेस डाल सके। हमारे फुल बैक्स वर डूइंग गुड बट क्रॉसिंग नहीं हो रही थी कल, तो वो चीज़ जो थी वो बॉदर कर रही थी मेरे को। बट एंटनी और एंथनी मार्शल दोनों अच्छा खेल लेते अगर तो हम तीन गोल्स तो एटलीस्ट मार सकते थे। बट ठीक है, इट्स ओके, दो प्लेयर पे हम फिर भी 1-0 की लाइन से जीते, इट्स ओके, एटलीस्ट वी गॉट अ विन, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट विन, वो ज़्यादा मैटर करता है। उसी के साथ यार अब कुछ प्लेयर्स जिनकी मैं बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा, दैट इज एरन वैन-बिसाका एंड ल्यूक शॉ। एरन वैन-बिसाका ने भाई जितना इम्प्रूव किया है ना खुद को, मतलब ही नेवर गेव अप भाई, ही न्यू दैट डिएगो डालो को ही प्रेफरेंस मिलने वाली है, डिएगो डालो को ही उसके ऊपर यू नो खिलाया जाएगा हमेशा, अगर डिएगो डालो फिट रहेगा तो वही खेलेगा। पर जैसे ही डिएगो डालो इंजर्ड हुआ, एरन वैन-बिसाका टुक हिज अपॉर्चुनिटी, एरन वैन-बिसाका ने मतलब बैक डाउन नहीं किया, एरन वैन-बिसाका डिड वट एवर इट वॉज इन हिज रीच, उसने सब कुछ करा। और अभी ही इज मतलब दो से या तीन गेम्स हो गए बढ़िया खेल रहा है भाई लौंडा। मतलब अगर डिएगो डालो नहीं है अगर टीम में और अगर वो खेल रहा है तो ऐसी एज सच कमी नहीं महसूस हो रही है। और इनफैक्ट वुल्व्स का एक गोल भी कल एरन वैन-बिसाका ने बचाया था, जो कि पीछे से टैकल मार के उन्होंने रोका था। तो एरन वैन-बिसाका हैड हिज मूवमेंट्स यस्टरडे, काफ़ी काफ़ी अच्छा खेला एरन वैन-बिसाका। और यही अगर मैं बात करूँ ल्यूक शॉ के बारे में भी, सेम रिव्यूज ल्यूक शॉ के बारे में है कि भाई ल्यूक शॉ लास्ट सीजन तक वो सो मच लो ऑन कॉन्फिडेंट, और इस सीजन डायरेक्ट अनैक ने आके उसको उसके कॉन्फिडेंट बिल्ड करने में हेल्प करी, उसको लिटरली लेफ्ट सेंटर बैक पे खिला के भाई दो गेम्स खेल चुका है ल्यूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक पे, और अभी तक ही इज डिसेंट, अभी तक ही हैज बीन डिसेंट। तो नथिंग टू बैश ऑन दीज गाइज भाई, इनकी जितनी बेइज्जती पहले करते थे ल्यूक शॉ एरन वैन-बिसाका की, अब शायद नहीं करेंगे, क्योंकि और अब
वैसे एक चीज और आप नोटिस करो तो टायरन मलासिया का भी थोड़ा ऑफ सा गेम था, बट एटलीस्ट अब लिसांड्रो मार्टिनेस वापस आ चुके हैं, तो अब ल्यूक शॉ को हम वापस लेफ्ट बैक की पोजीशन पे शिफ्ट होकर लिसांड्रो मार्टिनेस को सेंटर बैक पे देखेंगे, तो इट इज़ फाइन. अभी तक डिफेंसिवली टीम सही कर रही है. राफेल वरान हैड अ वेरी ग्रेट गेम यस्टरडे, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं. मिडफील्ड की मैं बात कर ही चुका हूँ. एक प्लेयर जिसको मैं भाई तारीफ करना चाहूँगा, जो सब्स्टिट्यूट होके आया और उसने पूरा गेम पलट दिया, मार्कस रैशफर्ड. नो डाउट आप लोग समझ ही गए होंगे, ही दैट गाय इज इन हॉट फॉर्म भाई. दैट गाय इज इररिप्लेसेबल. अभी सब्स्टिट्यूट मतलब मैं कहता हूँ उसको बेंच करने वाला कोई नहीं है स्क्वाड में, पर एरिक्टन आ गया तो इसलिए मैं अभी नहीं बोलूंगा. बट भाई व्हाट अ प्लेयर. जब आया मार्कस रैशफर्ड आप पूरे गेम में आप चेंजेस देख सकते थे, पूरे गेम को इधर से उधर कर दिया क्योंकि एंथनी मार्शियल से नहीं हो पा रहा था कल. और मार्कस रैशफर्ड वाज द प्लेयर जो भाई कर रहा था, मतलब जब से वो आया तब से ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स. और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि ब्रूनो वाज आल्सो लुकिंग डिसेंट. ब्रूनो का भी गेम थोड़ा अप डाउन लग रहा था, मोमेंट्स पर अच्छा खेल रहा था ब्रूनो भी, बट जैसे ही मार्कस रैशफर्ड आया, ब्रूनो कॉम्प्लीमेंटेड मार्कस रैशफर्ड सो वेल भाई, सो वेल. मार्कस रैशफर्ड के आने के बाद से ब्रूनो का गेम बहुत तगड़ा हो गया था, ये चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी. तो यही होता है यार, आपका नंबर 10 आपकी टीम का और आपकी टीम का गोल स्कोरर, दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दे शुड, क्योंकि वही अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ, एक गोल स्कोरर जो कि अभी हॉट फॉर्म में, ठीक है, एक नंबर 10 जो कि भाई हैज दैट एबिलिटी टू प्रोवाइड असिस्ट लिटरली आउट ऑफ नोवेयर, तो इन दोनों प्लेयर्स को आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है. वही चीज हमने कल देखी है, तो आई एम रियली रियली ग्लैड. बट ये तो हो गई, चलो ठीक है, तारीफ है. बट एक चीज यार जिसकी मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है वो है साइनिंग्स और वो है स्क्वाड डेप्थ. कुछ चीजें हैं जो यूनाइटेड को करनी पड़ेगी, कुछ चीजें हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें सिक्योर करनी पड़ेगी. क्योंकि यार अगर रिगार्डलेस ऑफ कि हमारा क्लब सेल के लिए है, लोग खरीदना चाह रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, इसीलिए ग्लेजर्स पैसा नहीं लगा रहे, जरूरी होता है कई बार चीजें, जरूरी होता है कई बार पैसे खर्चना. और अगर मैं बात करूँ, हम कब तक वेट कर लेंगे भाई, ग्लेजर्स की क्लब बेचेंगे और फिर हम जाके बात करेंगे, कब तक हो जाएगा ये सब. तो उससे बढ़िया यही है कि ले आओ, क्योंकि लिवरपूल भी साइनिंग्स कर रही है, चेल्सी के पास स्क्वाड, क्योंकि आप कोई भी टीम देख लो भाई, सबके पास स्क्वाड डेप्थ है. यूनाइटेड इज द ओनली स्क्वाड जिसके पास स्क्वाड डेप्थ अप टू मार्क नहीं है, और प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट में ये आपको पक्का हर्ट करता है, और ये करेगा इवेंचुअली, ये आपको हर्ट करेगा कि आपकी लैक ऑफ स्क्वाड डेप्थ है, तो ये चीज़ आपको हर्ट करेगी. तो वो चीज आपको इतना हर्ट करे, उससे पहले आप भाई एक सिक्योरली आप दो चार प्लेयर्स ले आए विंटर विंडो में. दो चार प्लेयर्स कौन सा, हम एलीट प्लेयर्स मांग रहे हैं भाई. आप ऐसे प्लेयर्स ले आए जिनको आप खिला सके, आप अगर स्क्वाड रोटेट करें तो वो ऐसे प्लेयर्स रहे जो भाई एक इम्पैक्ट छोड़ सके उस गेम में. ऐसे प्लेयर्स ही ले आओ, कौन सा हम कुछ मांग रहे हैं तुमसे. बट ठीक है यार, जो भी है, चलता रह रहा है, जीतते जा रहे हैं, तो दैट इज वॉट एवरी यूनाइटेड फैन वुड नीड. तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों.